नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। शराब और शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई को लेकर एंटी लिक्वर टास्क फोर्स की कड़ी नजर है, पैनी नजर है, और इसको लेकर लगातार टास्क फोर्सेस के द्वारा जितने भी कार्रवाई किए गए हैं अलग अलग जिलों में, उसको लेकर एक सूचकांक दी गई है, जहां सारण सबसे प्रथम पर है। और सारण ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ बताई जा रही है। आपको बताया कि एंटी लिक्वर टास्क फोर्स यानी कि ALTF के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से जिले अव्वल नंबर पर है और कौन से जिले नीचे पे है। आपको हम बता देते हैं कि सारण इसमें सबसे आगे आया है। एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से जारी अगस्त की रैंकिंग में 1442 अंक के साथ सारण फर्स्ट नंबर पर है। मुजफ्फरपुर की रैंकिंग तिरहुत रेंज में सेकंड नंबर पर है 1181 अंक के साथ। वहीं सेंट्रल रेंज में पटना का अंक 156 है, तीसरे नंबर पर है। पूर्णिया रेंज की बात करें तो अररिया का अंक 18 है। और आपको बता दें कि सारण में 9600 लीटर्स शराब पकड़े गए थे और उसको लेकर 519 अंक उन्हें मिले थे और 99 गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर 297 अंक अलग से मिले थे। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर की बात करें तो 17617 लीटर वहां पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उन्हें 884 अंक प्राप्त हुए थे। पटना में 2100 लीटर पकड़े गए थे और इसके हिसाब से वहां 216 अंक पटना को मिला था। 27 गिरफ्तारी हुई थी तो उसको लेकर भी अंक दिए गए। जो रेफरेंस होता है कि किस आधार पर अंक मिलते हैं, तो आपको बता दें गिरफ्तारी पर 3 अंक मिलता है, ट्रक पकड़े जाने पर 15 अंक मिलता है, इसके अलावा 4-व्हीलर पकड़े जाने पर 5 अंक मिलता है, 2-व्हीलर पकड़े जाने पर 3 अंक मिलता है, और उसी के हिसाब से फिर रैंकिंग होती है। और उस रैंकिंग के अनुसार जो सारण टास्क फोर्स है, सारण टास्क फोर्स सबसे आगे निकला। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसके रिपोर्ट भेजे जिसमें कि सारण टास्क फोर्स को 1442 अंक प्राप्त हुआ है और मुजफ्फरपुर टास्क फोर्स को 1181 अंक प्राप्त हुआ है और पटना टास्क फोर्स को 156 अंक और अररिया टास्क फोर्स को 18 अंक। तो ये पांच जगह जो है वहाँ हाईएस्ट अंक पाए गए हैं, बाकी सब में बहुत ही कम है। और इस प्रकार से शराब की तस्करी, शराब जो बेचते हैं उन लोगों पर काबू पाने के जो टास्क फोर्स के द्वारा कार्रवाई की गई है वो काबिले तारीफ कही जा रही है। और इस प्रकार से ये रिपोर्ट जारी किए गए हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा सभी चीजों के आधार पर, सबके रेंज के आधार पर सबको सम्मानित किया जाना है, सभी टास्क फोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सभी को। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमने आपको सारे डिटेल्स बताए किस प्रकार से बिहार में शराब बंदी को लेकर तमाम एक्शंस लिए जाते हैं, टास्क फोर्स के द्वारा कितने कितने शराब पकड़े गए हैं, कौन जिला सबसे अव्वल नंबर पर है, सारे डिटेल्स। हालांकि ये रिपोर्ट के अनुसार है, बाकी सच्चाई हम सबके आंखों के सामने है किस प्रकार से अभी भी शराबबंदी कानून का उल्लंघन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जाता है और ऐसे किया जाता है किसी को पता नहीं चलता है। हर चौक चौराहे पर आप शराब बिकते देख सकते हो, वो अलग बात है कि उसको आप नज़रअंदाज करते हो, हालांकि हर डोर टू डोर में शराब जो है आपको मिल जाएगा और ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो सारे डिटेल्स हमने बताए वो ये कि सारण अव्वल नंबर पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।